Hello and a very warm welcome to this special presentation about the Pakistan South Africa Test Series. जी साउथ अफ्रीका की टीम 13 साल से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के दौरे के लिए कराची में मौजूद है. Of course, they will play a two test match series here, starting with the first test match between the two sides at the National Stadium Karachi. 26 जनवरी से इस टेस्ट मैच का आगाज होगा, उसके बाद रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका का ये टूर बहुत ही सिग्निफिकेंस की अहमियत रखता है, क्योंकि इस टीम ने पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है. एंड दे आर ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेडेबल टीम्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट. ओवरऑल साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस की में क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या ओवरऑल फिगर्स हैं, इन सबको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. शुरू में हम दिखाते हैं टेस्ट हिस्ट्री, इन दोनों टीम्स के दरमियान क्या रही है और साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान में क्या रिकॉर्ड है. Look at the leading run getters in bilateral test cricket between Pakistan and South Africa. Pakistan aur Junubi Africa ke darmiyan kheli gayi test cricket mein leading wicket takers kaun hai, aaiye dekhte hain. तेरह साल से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान में, और इस सीरीज में बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट एक्सपेक्टेड है. इस सीरीज में दोनों टीम्स काफ़ी वेल बैलेंस्ड हैं और ऐसा लग रहा है कि हम कांटेदार मुकाबले देखेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टार्ट्स के गुरु मजहर अशर, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज की कुछ ज़बरदस्त एस्पेक्ट्स एंड ऑफकोर्स द रिकॉर्ड इट साउथ अफ्रीका पोजेस इन पाकिस्तान. वेलकम मजहर. सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की ओपनिंग टेस्ट मैच की, जो कि पाकिस्तान खेल रहा है, विच वुड बी अ वेरी कम्फर्टेबल fact for them at the fortress of test cricket. जी पाकिस्तान का जो कराची में रिकॉर्ड है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. दे वो अनबीटन है फॉर 45 ईयर्स बिटवीन 1955 एंड 2000, और अभी तक पाकिस्तान 42 में से सिर्फ दो मैचेस हारा है. लेकिन उनमें से जो एक मैच जो पाकिस्तान हारा है वो साउथ अफ्रीका से हारा है 2007 में. तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है जो कि साउथ अफ्रीका के फेवर में भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का रिकॉर्ड कराची में ज़बरदस्त है. हम ये कह सकते हैं कि डिस्पाइट पाकिस्तान फॉर्मेडेबल रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका करेंटली होल्ड 100% रिकॉर्ड इन कराची टेस्ट मैचेस की अगर बात करें. ओवरऑल आगे बढ़ते हुए साउथ अफ्रीका ओवरऑल ऑल्सो हैव डन वेरी वेल इन टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान. जी दे लव प्लेइंग हियर. ये इनका चौथा टूर है, और पहले जो तीन टेस्ट सीरीज हुई हैं 1997 में साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीत किया था, उसके बाद 2003 में पाकिस्तान जीता था, और 2007 में साउथ अफ्रीका एक बार दोबारा सीरीज जीत किया था. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सीरीज का रिकॉर्ड देखें तो इट इज 2-1 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका. और एब्सोल्युटली साउथ अफ्रीका हम सब जानते हैं दे आर रेनाउंड फॉर देयर फास्ट बॉलिंग प्रोवेस, और इनके फास्ट बॉलर्स ने डिस्पाइट द एक जनरल परसेप्शन कि पाकिस्तान में इतना सपोर्ट नहीं मिलता फास्ट बॉलर्स को, खासतौर पर फॉरन फास्ट बॉलर्स को, ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है यहाँ पर. जी जब 97 में सीरीज़ जीते थे तो फैसलाबाद में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, और फोर्थ इनिंग्स में शॉन पॉलक ने 5 आउट किए थे. फिर 2007 में शॉन पॉलक को ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि तब उनकी पेस थोड़ी कम हो गई थी. तो डेल स्टेन ने फोर्थ इनिंग्स में कराची में 5 आउट किए थे. तो दोनों जो उनकी सीरीज विक्ट्री हैं उसमें फास्ट बॉलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है. एब्सोल्युटली साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग एक मतलब फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी थ्रेट बन सकती है. डिटेल्ड प्रीव्यू करेंगे हम दोनों स्क्वाड्स का इन नेक्स्ट एपिसोड विद मजहर अर्शद. पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट इज प्रीव्यूइंग द पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, और साथ साथ सलमान बट अपनी मेमोरीज के बारे में बता रहे हैं व्हेन ही लास्ट प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द 2007 टेस्ट मैच इन नेशनल स्टेडियम कराची. वी ऑल वेलकम देम, थैंकफुली वी हैव क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान. रिमेंबर इट्स अ क्रिकेट लविंग नेशन एंड दिस इज समथिंग दैट बाइंड्स दिस होल नेशन टुगेदर, सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू हैव देम हियर. एंड ऑब्वियसली दे आर वन ऑफ द टॉप साइड्स especially in this format, so a great learning curve for our youngsters and obviously for the public that wants to see their stars. I recall a wonderful game of cricket where Hashim Amla scored 100, Jack Kelly scored 100, Dale Steyn bowled a wonderful spell, Yunus Bhai got 100, Danish bowled a good spell, so it was a wonderful game of cricket. Unfortunately we lost the game, but the cricket memories are still there. Yes, they are young, take no pressure, be yourself, be positive, work hard, do the basics right and leave the rest to Allah.